और गाइस देखो आपको आवाज आ रही होगी, हमारे यहाँ पर तबला बज रहा है और आपका पापा भी छुट्टी पे हैं। आपका पापा छुट्टी में है और बाबा ने बाल कटवा लिए, डाई करवा ली काली, बढ़िया लग रहे हैं आप तुम्हारे बाल। हेलो दोस्तों, कैसे हो, स्वागत है आपका निकेश फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी आए हम खेत पर, मम्मी आई घास काटने तो मैं घास लेने आया था। ये देखो घास कट रहे हैं यहाँ पर, ये है साठ है, ये होता है साठ, और यहाँ पर देखो पूरा खेत खाली खाली पड़ा और पूरे खेत में घास से घास हो गया। ये देखो साठ साठ हो चुका पूरे खेत में, और इतने काट भी लिए हमने, ये रही और एक ढेर, ये रही एक बोरी। अब इसको काट कर दोनों रत्तम चढ़ा कर घर ले जाएंगे। और देखो मौसम कितना मस्त हो रहा है आज, जंगल पूरा चारों में खुला खुला है। इधर देखो कैसे कटती है घास, कितना टाइम और लग जाएगा अभी काटने में। और तो ले या नहीं, ठीक है ठीक है। तो गाइस चलो इस घास को लेकर चलते हैं घर। और आज घर हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, नाचने कूदेगा तो आपको दिखाएंगे, तो चलते हैं घर, बहुत ही मजा आएगा। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम घर, देखो रखते हैं हम सड़क पर, वो ये जा रही है हमारे बुग्गी में घास, ये हमारे गाँव की बुग्गी जा रही थी तो मैंने बुग्गी में घास धर लिया अपनी। तो गाइस चलो चलते हैं, अब मिलते हैं आपको घर। और आप सड़क देखो हमारे गांव की सड़क कैसी रहती है, और ये पेड़ देखो कितना अच्छा है नी। तो चलो गाइस चलते हैं घर। तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ खेत पर सर, और आप यहाँ पे देखो अगर रात बारिश पड़ गई थी कल तो कैसा हो चुका है, और ये सालों ने सारे कपड़े धो दिए हैं कल के सब। तो गाइस अब हम जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं, फिर आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है तो नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं पहले। आउट उतर जा, हो गई मजा नहीं आ रहा। मतलब है तेरी मन्ने। तो गाइस नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं, देखो कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और हमने यहाँ पर कपड़े भी धो दिए, मम्मी ने सारे कपड़े धो चुके हैं। और गाइस देखो आपको आवाज आ रही होगी, हमारे यहाँ पर तबला बज रहा है, वो हो रहा है ढोला, तो ढोला हो रहा है। और आपका पापा भी छुट्टी पे हैं, आज तो पापा छुट्टी में, और बाबा ने बाल कटवा लिए, डाई करवा ली काली, बढ़िया लग रहे हैं आप तुम्हारे बाल, ज्यादा बड़े ना सही है हम भाई, इतने तो सही है। धो लेते हैं अभी ना, धो लो पानी से है ना, नल पे चले जाओ, बथेरे वो है, हम खरीदेंगे नल पे पानी, गर्मी हो रही है, नल पे चले जाओ।
ढोला देखना पानी ले आगा था निकल निकल आ जा पे दुई बैठेंगे तेरे सारे आदमी में चलो तो ढोला देखना जाओ हां ढोला नाका जाओगे। तो गाइस पापा को पानी ला रहा हूं, नलपे पापा यहीं धोएंगे फिर यहीं नहालेंगे। तो गाइस हमारे यहां पर भंडारा शुरू हो गया है, क्या नाम है, अब तबला बज रहा है, देखो आवाज आ रही होगी आपको मंदिर पर, लेकिन उससे पहले भंडारा शुरू हो गया है, अब हम जा रहे हैं। पापा तो भाई सोए पड़े हैं, पापा पापा भंडारा शुरू होगा, जाना रे हां चलो भंडारा शुरू हो गया, फिर वो देखेंगे नाच कूद, चलो। तो गाइस हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है, आप सोच रहे होंगे मैं इतनी तेज क्यों बोलता हूँ, तो कोई नहीं आदत है मेरी तेज बोलने की। और यहाँ पे देखो मनीषा को बुखार हो गया रात, देखो देखो यार बहुत तगड़ा बुखार हो गया, अब शाम को दवाई ले आना मम्मी के साथ, अब दोस्तों से बोल भी नहीं जा रहा, कुछ खाए पिए भी नहीं है सुबह से, अब शाम को जाएगी दवाई ले। और गाइस अब हम जा रहे हैं वहाँ पर प्रोग्राम देखने, वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा डांस वगैरह होता है, तो चलो चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा, लेट्स गो। Thank you.
अभी बज रहे हैं 4 शाम के, और मैं अभी वहाँ से ढोला देख कर आया हूँ। नाच कूद ढोला बोलते हैं हमारे यहाँ पर जो हो रहा है ना वहाँ। मैं इसलिए आया हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो हमारे भैंस और गाय बन रहे हैं ना, इनको मैं न्यार गिरने आया हूँ। ये रहा न्यार, इनको मैं न्यार गिरूँगा खोर में उसको और यहाँ बांधूँगा। तो इसलिए आया था मैं, मम्मी और सब वहाँ पैया ढोला देख रहे हैं, मस्त इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं भी अभी दोबारा जाऊँगा, पहले मैं यहाँ का काम कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, फिर वहाँ पर चलते हैं। तो गाय सब ये पानी पिया रहा, पानी पीने वाली हैं बस, पी लिया गाय ने तो पी लिया, और खटिया पी रही है। इनको पानी पिलाने के लिए आया था मैं सो छोड़ कर, तो पानी पी लिया फाइनली। तो गाइस मैंने इनके न्यार व्यार सब घेर दिया है, और देखो सालू और मनीषा दवाई लेकर आ चुकी हैं। इसमें देखो क्या लाई हैं, इसमें क्या लाई, जलेबी। इसका बुखार हो रहा था, कितना परसेंट बुखार था ना पता, 103। गाइस देखो ये जलेबी लाई है। तो गाइस पापा वहीं भी जाता हूँ, पापा को बुला के ले आता हूँ, और फिर आपको दिखाते हैं कुछ अलग चीज़।